कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम टू हनान व्लॉग्स। तो गाइस आज हम लोग बना रहे हैं चिकन पुलाव, वो भी फुल नेचर वाली जगह। तो चलो फिर चलते हैं। एक ग्लास चावल ले लेंगे। तो ये हम लोगों ने चावल का एक ग्लास भर लिया, तो अब इसको हम लोग इसमें डाल देंगे। अभी हम लोग इसमें पानी डाल देंगे, चावलों को भिगोएंगे 20 मिनट के लिए। एक टमाटर लिए, एक प्याज लिए जिसको छील लिए, और मिर्चों को छोटे साइज में काट लिए। अदरक और लहसुन को मैंने छील लिया। अभी ना अदरक लहसुन को कूटेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए हम लोगों ने ये कुछ मसाले लिए। 1.5 टीस्पून नमक लिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च लिए, 2 टेबलस्पून पुलाव मसाला लिए, और ये गरम मसाला लिए, और साथ में एक पाव चिकन लिए चिकन पुलाव बनाने के लिए। अभी अदरक लहसुन को हम लोगों ने कूट लिया, तो अभी इसको हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर से अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल लिया। रिस्क को जाया नहीं करना चाहिए, हम लोगों को रिस्क की बहुत कदर करनी चाहिए। तो अभी कुंडी डंडा को साइड पर रखते हैं और प्याज और टमाटर को काट लेते हैं। प्याज टमाटर को बहुत एहतियात से काटेंगे, छुरी बहुत तेज है तो हाथ भी कट सकते हैं। प्याज टमाटर को मैंने काट लिया छोटे छोटे साइज में। तो अभी चूल्हे को सेट कर लेंगे। चूल्हे में आग जलाने के लिए लकड़ियों को चूल्हे में डाल लेंगे। मैंने चूल्हे में डाल दी है, तो अभी चूल्हे में आग लगा लेंगे पुलाव बनाने के लिए। जंगल में आग जलाना भी काफी मुश्किल है, अभी शाम भी हो रही है, तो अभी देखो मेरे से आग जलती भी है या नहीं। तो लाइटर मैं अपने साथ लेकर आया था, तो अभी आग जलाते हैं, देखते हैं मेरे पास जलती है या नहीं। सबसे पहले ये मेरे पास पेपर है, पेपर पे आग लगाएंगे, फिर उसके ऊपर मैं ये शॉपर रखूंगा, तो फिर देखते हैं आग जलती है या नहीं। तो ये देखें शापर को आग लग चुकी है, अभी इसको मैं नीचे रख देती हूँ। इस शापर से ना बाकी जो लकड़ियाँ उन पे भी आग लग जाएगी। और हाथ का खास ध्यान रखना है कि हाथ ना जल जाए बस, क्योंकि अगर पिघले प्लास्टिक हाथ पे लग जाए ना तो बहुत बुरा हाथ जलता है। तो आग हमारी जल चुकी है, तो अभी मैं देगची को लेकर आती हूँ और देगची को रखते हैं चूल्हे पे। अभी देगची को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। ऑयल इसमें हम लोगों ने पहले से ही डाल दिया था, ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। प्याज को हम लोगों ने डाल दिया था, प्याज हल्का गोल्डन हो चुका है, तो अभी इसके अंदर चिकन डालेंगे। और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। लेकिन आग की जो गर्मी है उससे तो नहीं ना हम लोग बच सकते, क्योंकि आग तो गर्म होती है ना। तो अभी मैं चिकन ले आई हूँ, एक पाव हम लोगों ने चिकन ली थी, तो अभी इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो हम लोगों ने डाला था वो अच्छी तरीके से भून चुका है, तो अभी हम लोग इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। चिकन मेरी भुन चुकी है, तो अभी इसके अंदर हम लोग जितने भी मसाले हम लोगों ने लिए थे वो इसमें शामिल कर देंगे।
हो चुके हैं फर्जा, सब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अब ये तो टेस्ट पे डिपेंड करता है ना, टेस्ट कैसा आएगा। मसाला आप लोग मैंने देख सकते हैं तकरीबन बन ही चुका है, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, इसको तो टेस्ट करने में ही पता लगेगा। थोड़ा सा यहाँ से जल भी चुके हैं, उसके खैर है। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर और धुआं भी बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि लकड़ी की आग है इस वजह से। तो लुक आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी आ चुकी है हमारे खाने की। अब तो इसको टेस्ट करेंगे, मेरा तो बस दिल कर रहा है अभी इसके अंदर से मैं चिकन निकालूं और खा जाऊं, इतना अच्छी खुशबू और इतना अच्छा टेस्ट लग रहा है इसका। हम लोग का मसाला यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, अभी इसके अंदर हम लोग 2.5 गिलास पानी डाल देंगे। अभी उबाल आने का इंतजार करेंगे, इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। जितनी देर में पानी में उबाल आता है उतनी देर में हम लोग चावल जो हम लोगों ने भिगोए थे उसके अंदर जो पानी था वो निकाल लेते हैं। बहुत ही ध्यान से निकालेंगे ताकि अंदर का जो एक भी चावल का दाना है वो जाया ना हो, क्योंकि हम लोग को रिस्क की बहुत ज्यादा कदर करनी चाहिए। चेक कर लेते हैं कि उबाला आया या नहीं। तो जी हमारी देखची में उबाला आ चुका है, तो अभी जल्दी से इसके अंदर चावल डाल देते हैं। लाल आ गए हमारे चावल, अभी देखची में डालते हैं। धुआं आंखों में पड़ रहा है और आंखों में से आंसू आ रहे हैं, देखा भी नहीं जा रहा। इसमें डाल दिए हैं, तो अभी दोबारा उबाले का इंतजार करेंगे। अभी इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये उबलने लग जाते, तेज आंच पे अभी इसको पकाएंगे। लकड़ियां भी अंदर खत्म हो चुकी हैं, कभी ना सभी वाले मैं जल्दी से लकड़ियां अंदर चला रही हूं, अगर आग बुझ गई ना फिर दोबारा से मुश्किल होगी। तो अभी इसके ऊपर ढक्कन रख देता हूं, तो जितनी देर में उबल देना उतनी देर में मैं जल्दी से लकड़ियां नीचे डाल देता हूं ताकि वो जल जाए। जो लकड़ियां वो मैं अपने घर से ही लेकर आया था, तो यहां से हम लोगों ने कोई भी नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये देखिए हमारे चावल ऊपर उछलने लगे हैं, इसका मतलब हमारे चावलों में उबाला आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने ना इसका पानी खुश करना है। तो ये आ चुका है मेरा हथियार, मजाक करो ये मेरा चम्मच है, तो इसको ना अभी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। खुशबू है ना जो बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत 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 ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से ना। पानी खुश्क हो चुके हैं, तो अभी ना इसको दम लगा देते हैं। नीचे से आग को थोड़ा हल्का कर देंगे और उसके ऊपर थोड़े से कोयले डाल देंगे। तो इसके ऊपर अभी मैंने लकड़ियां डाल दी हैं और इसको दम पे हम लोगों ने रख दिया, तो अभी ना इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और ना मेरी आंखों में से आंसू आ रहे इतना ज्यादा, ये एक तो इससे धुआं उठ रहा है। तो हो चुके हैं, तो अभी इसके ऊपर जो हम लोगों ने ये कोयले डाले थे इनको उतार लेते हैं, इनका कोई काम नहीं है। ये बहुत गर्म है बीच वाली चीज भी, दम के बाद तो खुशबू और भी ज्यादा अच्छी आ रही है। तो अभी देखची को उठा के उस जगह पे लेके जाते हैं, फिर इसका दम खोलते हैं। बहुत ही एहतियात के साथ लेके जानी पड़ेगी, कहीं छूट ना जाए, क्योंकि गरम गरम चावल है अंदर, सारी मेहनत है हमारे दिन की अंदर। तो ये मैं पत्ते भी लेकर आया था इसको डिश आउट करने के लिए, ये देखो ये पत्ते मैं लेकर आया था। तो चलो अभी इसका दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो गाइस कितने अच्छे चावल बने हैं, और ये रोटी, ये है हमारे दिन की मेहनत। तो अभी बारी आती है इसको डिश आउट करने की, तो इतने बड़े साइज के पत्ते पे करेंगे जो मेरे मुंह से भी बड़ा है। तो चलो फिर डालते हैं इस पे।
तो जी अभी बारी आती है इसको टेस्ट करने की, तो चलो फिर टेस्ट करते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसा टेस्ट। चावल अभी अभी हम लोगों ने इसका दम खोला और मैंने निकाले हैं, तो बहुत ही गर्म है, तो जो चावल होते हैं उनको गर्म खाने का ही मजा आता है। बहुत ही मजे के हैं लेकिन गर्म बहुत ज्यादा है। गर्म तो होंगे क्योंकि दम से उतारे, लेकिन बहुत मजा आया। मैं आप लोगों को दे ही नहीं सकता लेकिन दिखा सकता हूँ क्योंकि अभी इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी नहीं बनी। तो गाइस आज हम लोगों ने ये ब्लॉग बनाया था जो कि बहुत ही मजे का बना है। मिलेंगे बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करके मुझे अपना प्यार दिखाइए। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Please! Please! Now!